हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक्नोफाइल फिरदौस। और ये पिक्चर देख के आप समझ गए होंगे कि ये कोलकाता का इंफोसिस का कैंपस है। तो इसका मैंने एक वीडियो डेडिकेटली बना चुका हूँ, तो अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ इस ITC इंफोटेक के बारे में। तो इंफोसिस का अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरे इसमें आई लिंक पे क्लिक करें, आपको इंफोसिस का वीडियो दिख जाएगा। और ये है देखिए ITC इंफोटेक का ग्लोबल हेड ऑफिस। तो मैं आपको इसको सामने से जाके दिखाता हूँ कि कैसा है, कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँचा है। तो ये रोड देख के आप समझ सकते होंगे कि किस तरह का काम चल रहा है। कुछ ही दिन पहले यहाँ पर जब मैं आया था तो यहाँ पे पूरा कुछ नहीं था, उस तरह का बना हुआ नहीं था। और आप विप्रो की तरफ जाएंगे, सॉरी प्रोसेस की तरफ जाएंगे, तो आपको वहाँ पर कंस्ट्रक्शन तो इंटरनल ऑलमोस्ट कम्प्लीट है। वो सारा ब्यूटिफिकेशन वर्क, लाइट सेटिंग, वो सब बहुत ही स्पीड में चल रहा है, जिसको देख के मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 2 महीने में मार्च के एंड के बाद से ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये रास्ता कुछ दिन से पहले तक इस तरह का नहीं था। मेरा मान लें अगर आप 4 महीना 6 महीना पहले आते तो ये रास्ता इस तरह का नहीं था। और देखिए कितना चौड़ा बना रहा है रास्ता, ये वन ये आधा वे है और उस तरफ इतना ही उस तरफ है। ये यहाँ से एक सबवे देंगे या सर्विस रोड देंगे 3 लेन के बाद, ताकि जहाँ से आप ITC इंफोटेक में आराम से इंटर कर सकें और जहाँ से आप सीधा इंफोसिस तक भी जा सकते हैं। तो देखिए ये है ITC इंफोटेक और ये कोलकाता का पहला IT MNC का, बिग IT MNC का। कलकत्ता में कुछ IT MNC का हेड ऑफिस थी जैसे आर एस सॉफ्टवेयर, लेकिन वो बंद हो गई और कुछ थी, लेकिन कोई बड़ी बिग MNCs की कोई हेड ऑफिस नहीं थी। ITC जो कि कोलकाता का ही ब्रांच है, इसका मेन हेड ऑफिस आपका पार्क स्ट्रीट में था, जो पूरी ITC का हेड ऑफिस था। लेकिन ITC इंफोटेक का कलकत्ता में उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं था। मैं कह सकता हूँ 4-5 या मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ 10,000 ही एम्प्लॉय थे, पर ये कोलकाता का अपना खुद का, जी कोलकाता का ये खुद का ये IT का पूरा पूरी ये हेड होने वाला है। IT का ये मैं कह सकता हूँ ये पूरा इंटरनेशनल हब हेड होने वाला है ये ITC इंफोटेक का ये बिल्डिंग। तो ना ही ये कोलकाता, ना ही ये इंडिया, बल्कि ये पूरा वर्ल्ड का ITC इंफोटेक में जितने भी ऑफिसेस हैं, जितने भी आपकी बड़ी बड़ी डिसीजन है वो अब यहाँ से होगी। पहले बैंगलोर से हुआ करती थी, पर 6 महीने साल भर के बाद वो देखिए वो सारा शिफ्ट हो जाएगा अपनी कोलकाता में। तो ये कोलकाता के लिए वन ऑफ द बिग अचीवमेंट होगा। और ये एरिया जो है इसे हाथीशाला कहते हैं या एक्शन एरिया 2 ऑफ न्यूटन कहते हैं, ठीक है। तो उस जगह देखिए वो आपका इंफोसिस है, यहाँ पे आपका बीच वेप्रो होगा और ये आपका होगा ITC इंफोटेक का ग्लोबल हेड। और देख सकते हैं कितने लोग परिश्रम कर रहे हैं। इसका इंटरनल और ब्यूटिफिकेशन भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है। यहाँ थोड़ा ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, जिसके लिए ये सब रोड्स बनाए जा रही है। पहले जो था उस साइड जो सापूजी पड़ती है वहाँ तक ही ज़्यादातर बस आया करती थी। इस जगह का कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था, जिसके कारण से ये रुके हुए हैं। नहीं तो इसकी इंटरनल ब्यूटिफिकेशंस अब जो भी कह सकते हैं 90% या 99% कंप्लीट है। और ये भी आपके मार्च में, मैं कह सकता हूँ कि मार्च में ये भी अपना ओपनिंग कर देगा। यहाँ लोग को देख के समझ में आ रहा है कि हाँ भाई किस तरह से काम हो रहा है। अभी ये सर्विस रोड का लेआउट बन रहा है, अब देख सकते हैं लेआउट में भी इन लोगों ने ग्राउंड में जो ठोस देते हैं वो कर लिया। अब जस्ट पिचिंग होने के बाद ये रोड आपका इस तरह का बन जाएगा। बीच में ये आपका डिवाइडर देंगे, जैसा न्यू टाउन के आप सारे रोड में आप देखते ही होंगे कि इस तरह का डिवाइडर देंगे। और उसके बाद ग्रैंड ओपनिंग, मैं कह सकता हूँ कि अप्रैल के महीने में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल दो ऑफिस जो कि बन के एकदम ऑलमोस्ट तैयार है। वन दिस ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो काफ़ी खूबसूरत है ये, और सेकेंड ये इंफोसिस। तो ये दोनों एक तरह से कलकत्ता का जो कि एक तरह का कह सकते हैं इमेज था, ये इमेज मेकओवर करने में काफ़ी मदद करेंगे। कोलकाता मैं क्या कहूँ, आई लव दिस सिटी, आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता। हमें एखने छेड़े एखने ही पढ़ाशुना करेछी, एखने सब किछु पेयेछी, अभी एखने काजो एखने पेयेछी करेछी, ठीक आछे। আমার মিন এটা একটা গৌরবের বিষয়, বিকজ উই হ্যাভ হার্ড আ লট ডিউ টু দিস থিং। মিন কলকাতাতে কোনো MNCs হেড অফিস নেই, বাবা দেখে নাও
देखे ना, द पीपल वो सेज लाइक दैट सी दिस दिस विल बी द ग्लोबल हेड ऑफिस ऑफ ऑफ आईटीसी इंफोटेक, एंड आईटीसी इंफोटेक इज आर इज एथ और टेंथ रैंक, राइट? सो द पीपल वो सेज कि नहीं कोलकाता में कुछ नहीं है भैया, ये आपका धरना को चेंज करेगा। और माइंड इट, पिछले 3-4 साल में द ग्रोथ ऑफ द कोलकाता इज मैचिंग द ग्रोथ ऑफ द मुंबई। तो अगर कोई अगर सपनों की शहर मुंबई को अगर सपनों का शहर कहता है तो माइंड कलकत्ता भी, हाँ ये सब चीज़ आपके 10-5 साल पहले होनी चाहिए थी, पर बीता हुआ बात को लेकर क्यों रोए? जो अभी प्रेजेंट है उसमें जीने से इंसान लोग का ज़्यादा ये है, क्योंकि पास्ट में क्या रखा, पास्ट से हम लोग को सीखना चाहिए, एंड वी शुड लर्न। क्योंकि न्यू जनरेशन है कोलकाता के, उन्होंने लर्न किया है। आप अभी अगर नया जनरेशन देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर लोग का, दे आर फार बेटर। मीन मैं कह सकता हूँ, सीधा ठोके कह सकता हूँ कि वी कोलकाता पीपल्स हैव फार मोर नॉलेज, फार मोर डेडिकेशन देन द फ्यू अदर स्टेट पीपल। मैं किसी को बुरा नहीं करना चाह रहा, बट स्टिल कोलकाता के पीपल ने अपने पास से बहुत कुछ सीखा है। और एक चीज़ अच्छा किया है कि लास्ट नाइन ईयर्स में कलकत्ता ने एक भी स्ट्राइक नहीं देखा। अदर स्टेट में स्ट्राइक, झमेला, लड़ाई, बड़ाई, हर कुछ होता है, बट नाउ कोलकाता हैज इवॉल्व। मीन उन लोगों ने समझ लिया है कि नैनो को करके क्या खोया, या सालेम ग्रुप को हल्दिया में ना दे के क्या ना आने से क्या क्या नुकसान हुआ। बट स्टिल कोलकाता का ग्रोथ सही है, उतना ख़राब भी नहीं हो रहा है। एमएसएमई में कोलकाता इज़ द नंबर वन स्टेट इन ऑल ओवर इंडिया, और आईटी में भी ये आपका 4th नंबर में अब आ गया है। जो कि एक समय कहा जाता था कि कोलकाता विल हैव नथिंग, बट दे आर ग्रोइंग। और ये सब चीज़ इस चीज़ का हम लोग प्रेरणा देती है, बीना पीपल वो हैव स्टडीड इन कोलकाता एंड वर्किंग इन कोलकाता फॉर पास्ट 10 ईयर्स, कि हाँ कोलकाता का फ्यूचर अच्छा है, अच्छा होगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।